अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैज़ मुहियुद्दीन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजी जॉब कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फैमिली का रोल जो है ड्रग एडिक्शन के बारे में जो है क्या होता है, और किस तरह फैमिली जो है अपने पेशेंट्स को गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर सकती है, किस तरह जो है उनके इलाज के लिए बिलिंग हो सकती है। आज हम इन्हीं सवालों को जो है क्लियर करते हैं कि फैमिली का रोल क्या होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फैज़ मुहियुद्दीन साहब से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट के बारे में ड्रग्स के, कि फैमिली का जो रोल होता है वो क्या इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग एडिक्शन के इलाज के सिलसिले में पेशेंट्स की जो फैमिली है उसका एक इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि ये उस तरह का ये मर्ज नहीं है कि जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, कि इसमें जस्ट एक साइड पे होके आप परहेज साथ साथ आप परहेज भी करें और उसकी मेडिसिन लें, और फैमिली का कोई इतना उसमें खास रोल नहीं होता। तो लेकिन जो एडिक्शन का ट्रीटमेंट है उसमें फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि फैमिली ही उसकी एक वजह बन सकती है कि मरीज का दोबारा से एडिक्शन का स्टार्ट करना, और फैमिली भी मरीज में मोटिवेशन का जो है फैक्टर वो लेके आ सकती है। तो और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फैमिली की जो अवेयरनेस है उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हमने बहुत अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी हमारे पास आती हैं फैमिलीज जो ये समझती हैं कि 2 से 3 दिन में पेशेंट का इलाज हो जाता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हमारे पास आती हैं जो ये समझती हैं कि बस के जी डॉक्टर साहब मेडिसिन हमें लिख के दे देंगे और हम घर जाकर मेडिसिन देंगे और मरीज एडिक्शन का छोड़ देगा, जो कि ये दोनों जो बातें हैं ये सरासर गलत फहमी के पर मबनी है। जी सर, अच्छा आपने गाइड किया। अब जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ सर खुर्रम से। सर खुर्रम, अक्सर जो फैमिलीज होती हैं जैसे ड्यूरिंग इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट जो है रिहैबिलिटेशन से इलाज करवा के वापस चला जाता है तो वो वापस जाकर जो है इतना कॉन्शियस नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वालेकुम सलाम। फिर रिलैप्स प्रिवेंशन में जो फैमिली का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है। जैसे कि जैसे ही बंदा एक जो रिहैबिलिटेशन सेंटर से घर जाता है तो उस बंदे के दिन में बहुत से ख्यालात होते हैं कि फैमिली उसे पता नहीं कैसे किस तरीके से डील करेगी। कुछ वो यानी कि एक जो पहले से फैमिली के बारे में उसका कॉन्सेप्ट होता है कि फैमिली उसको क्रिटिसाइज कर रही होती है, तो ये जेन के साथ जाते हैं, शायद अब भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन फैमिली अगर उसको सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मदद कर सकते हैं कि वो जाके वो जितनी भी उसे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़े उन सब के साथ अच्छे तरीके से कोप कर सके। और इस कोपिंग की स्किल्स के साथ, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसने मुख्तलिफ कोपिंग टेक्निक सीख के जा रहा होता है, तो फैमिली का काम है कि उसको प्रॉपर अटेंशन दे, उसमें यानी कि उसकी केयर करे, उससे जो हो चुका है उस पर क्रिटिसाइज ना करे बल्कि उसको मोटिवेट करे। मोटिवेशन जो है वो आपको किसी भी मुश्किल से मुश्किल जो आपका मकसद होता है ना उसमें कामयाब करवाने में बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। इसलिए एक बंदे का और एक पेशेंट का और उसके साथ उसकी फैमिली का मोटिवेट होना ज़रूरी है। बहुत सी फैमिली का ये ख्याल होता है कि बस रिहैबिलिटेशन सेंटर से होके आ गया है, इलाज कम्प्लीट हो गया है, आते ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि फैमिली ये कंसिडर करे कि अभी 50% जो है इसका इलाज हुआ है 50% आउटडोर बेसिस पे, अब उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है ना
वो बहुत ज्यादा अहम कंसीडर होंगे, और उसका माशरे के साथ जो तल्लुकात होंगे, लोगों के साथ उठना बैठना, क्योंकि वो जो इतने बुरे लोग बुरे दोस्तों के साथ बैठता था, अब वो सारी उसको दोस्तियां बदलना पड़ेंगी। उसमें फैमिली उसको मोटिवेट करेगी, अगर फैमिली खुद मोटिवेट होगी तो वो एक पेशेंट अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर अपने मकसद को अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, जो बिजाहर तो देखने में नामुमकिन नजर आता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के साथ उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। थैंक यू सर कुरन, थैंक यू फैज साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।